नमस्कार, आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर डोईवाला से है। एसएसपी ने किया कार में हुई मोबाइल लूट का खुलासा। आरोपी हुआ गिरफ्तार, आरोपी पर हत्या का भी दर्ज किया मुकदमा। डीआईजी एसएसपी देहरादून डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर ने किया डोईवाला के सोंग पुल पर कार में हुई वारदात का खुलासा। पेचकस मारकर मोबाइल छीनने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। आरोपी के हमले में कार ड्राइवर की हॉस्पिटल उपचार के दौरान हुई थी मौत। पुलिस ने 2 दिन के भीतर किया घटना का खुलासा। आरोपी युवक सूरज सहानी उम्र 21 साल केशवपुरी बस्ती का है निवासी। डीआईजी ने डोईवाला प्रभारी राजेश शाह और उनकी पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा। 17 अप्रैल को सोंग पुल पर दोपहर में हुई थी घटना। फर्दर उसका जब इलाज के दौरान उसकी जो है खैर की डेथ हो गई है। और उससे पहले जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में जानकारी मिली कि एक व्यक्ति था जिसने कि उसके साथ जो है मोबाइल फ़ोन छीन करके ले गया। मैं फिर प्रकाश में आया कि ये व्यक्ति जो अभियुक्त है वो सूरज सहानी है, ये नई बस्ती डोईवाल का रहने वाला है। उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। जो पेच जिस पेच का जब आपस में दोनों झगड़ रहे थे, पेच का से ही अभियुक्त ने इसके मृतक के जो है जो दायां पोर्शन पर जो है अंदर घुसा करके उसको घायल किया था, तो वो बरामद कर लिया गया है। इसके लिए दोनों विषय में थे, एक गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन लूट या अन्य प्रकार के लूट करने के मतलब उसके प्रयास में उसने जो है वो घटना घटित किया। इसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। उसमें जो मोबाइल फ़ोन है ओप्पो का वो हमें बरामद कर लिया है। और जो पेज का जिसके माध्यम से इसने ड्राइवर है जो बात इसकी मृत्यु हो गई है 1 तारीख को, तो पेज का इसका हमने बरामद कर लिया है। इसका क्रिमिनिस्ट्री है या नहीं जानकारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पढ़ना भी अभी समय तक तो कोई इसका क्रिमिनिस्ट्री की जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन हम जानकारी कर रहे हैं। किन धारा में ये मुकदमा? इसमें पहले 392 लिखी गई थी। अब चूँकि इसमें लूट वाला एंगल आ गया है तो इसको 394 में मामला पंजीकृत होकर के अब 394 में इसको पुलिस हमारे यहाँ की पुलिस उसको जुडिशल रिमांड में भेजने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो इनको मेरे टीम को 10,000 का इनाम, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, उसको वर्कआउट किया, बहुत जल्दी वर्कआउट किया था, इसलिए 10,000 का इनाम मैं टीम को देने जा रहा हूँ।